हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आप स्टार्ट करें कंप्लीट एक्सरे फिजिक्स या फिर बोल सकते हो रेडियोलॉजी के कंप्लीट कोर्स को बेसिक से स्टार्ट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना फर्स्ट टॉपिक होगा एक्सरे फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट, मतलब आप बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चल रहे हैं। चाहे आप MSc करे हो, चाहे आप BSc करे हो, BRIT, MRIT, जो भी आप डिप्लोमा कोर्स करे हो, आपने ये चीज़ें अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार ये रिविजन हो जाएगी। एक बार आप फिजिक्स को कवर करेंगे ताकि अपने को आगे जो कंसेप्ट आने वाले हैं ना यूट्यूब के वगैरह में, उनके सर्किट वगैरह, वो अपने को आसान तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो वो फिजिक्स है क्या? सबसे पहले ये देखो गाइस, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। सिंपली अगर बात की जाए तो फिजिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैटर और एनर्जी की स्टडी है। और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे ये हो सकता है क्लासिकल फिजिक्स हो, मैकेनिकल फिजिक्स हो, तो इस तरह इसके बहुत सारे डिवाइड है, लेकिन इसका डिवाइड हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन आप बस यही बेस तैयार करें ताकि अपने को एक्सरे फिजिक्स अपने को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देन ये बात कह रहा है कि यहाँ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, हर एक अपने चारों तरफ देखेंगे मैटर और एनर्जी का ही कंसेप्ट है। और या फिर बोल सकते हो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ये भी फिजिक्स है। तो सेम कंसेप्ट यही है, और मैटर और एनर्जी भी फिजिक्स ही है, और उनके इंटरेक्शन को अब आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर ही। इनके अलग अलग टाइप्स है, ये अलग अलग क्वांटम हो गया, इनके ये अलग अलग कंसेप्ट है इनका। एक बार अपना फिलहाल यहाँ जो मेन बात है ना, वही पे फोकस करें। तो यहाँ पे बात करें मैटर होता क्या है। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कुछ एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे हैं। साथ में ये मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बने, सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड के अंदर लूजली पैक्ड है, गैस के अंदर और लूजली पैक्ड है। वहीं अगर बात की जाए गाइस तो ये इजिली कन्वर्टेबल है। मैटर्स क्या है, जैसे पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, पानी आइस में भी बन सकता है ना, नॉर्मल लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। तो मतलब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज भी कर सकती है इन अपन मैटर्स को। ये कंसेप्ट था मैटर का। उसके बाद अगर बात करें एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी ऊर्जा बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसी क्षमता जिससे कोई पर्सन काम कर सकता है। सिंपल अगर नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो आप बोलते हैं यार मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, इट मीन्स मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये काम मेरे को करना है, मतलब मेरे के अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो वो होती है एनर्जी। और एनर्जी इज इजिली कन्वर्टेबल, एनर्जी को आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में होगी, मैकेनिकल की पोटेंशियल या काइनेटिक, इस तरह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर आप एनर्जी को कन्वर्ट करते रहते हैं। और ये एनर्जी क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। इट मीन्स एनर्जी को कभी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बस ये क्या है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कन्वर्टेबल है। जैसे अभी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा था, वो एक एनर्जी थी, गुस्सा आपकी एनर्जी है, और आपने किसी दूसरे पे उतार दिया, तो आपने वो एनर्जी दूसरे पे ट्रांसफर कर दी, वो तीसरे पे ट्रांसफर कर देगा, चौथे पे कर देगा। और आपका देखिएगा इस, तो आपकी खुद की एनर्जी थी वो क्या हुई, गुस्से आपने उस पर आप शांत हो गए, इट मीन्स आपकी गुस्से वाली एनर्जी शांत हो गई, या फिर वो गुस्सा आपका ये पीस के अंदर या फिर मेंटल पीस के अंदर आपका शांत हो गया, फ्रस्ट्रेशन वाला, ये चीज़ें आप बोल सकते हैं। सेम लाइक दैट, जैसे अभी कोई भी वाटर हो सकता है, पानी, पानी को क्या आप भाप है, उसके अंदर कुछ एनर्जी थी, उस एनर्जी के कारण वो भाप बना, और भाप के अंदर कुछ एनर्जी देखने को मिलेगी, सॉलिड के अंदर ही कुछ एनर्जी देखने को मिलेगी। तो ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह घूमती फिरती रहती है, लेकिन ये यूनिवर्स के अंदर फिक्स ही रहेगी, ठीक है गाइस। ये लॉ है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन कह रहे हैं कि अभी आप बात करेंगे कुछ मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स की, ठीक है। तो ये एक्सरे फिजिक्स अगर ये आप कवर कर देंगे ना, तो मैं कह सकता हूँ कि आगे आप पढ़ेंगे तो आपने को दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ बात की जा रही है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, टू स्टडी मैटर एंड एनर्जी विद देयर प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट्स क्या होगा, मेजरमेंट्स वो होगा गाइस, ये देखिए, जैसे कोई भी अपने मैटर और एनर्जी को अपन स्टडी करेंगे, जैसे हो सकता है कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, इस टाइप से उसकी प्रॉपर्टीज के साथ अपन स्टडी करेंगे, तो वो होगी अपनी मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स मतलब कुछ अपने को स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे। देन कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड इन देयर स्टैंडर्ड्स, तो फिजिकल क्वांटिटीज है वो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स है, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अंदर उनको मेजर किया जाता है, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अपन बोलते हैं यूनिट। ये देखिए गाइस, ये आई थिंक रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, एनर्जी मैटर, हाँ ये रहा यूनिट्स, द स्टडी ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट, और इन स्टैंडर्ड्स को अपन यूनिट बोलते हैं। इट मीन्स यूनिट क्या है, यूनिट्स आर द वर्ड और ग्रुप ऑफ सिंबल। यूनिट्स कुछ ऐसे वर्ड्स है या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, किसी को क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को। अभी मैं क्वांटिटी को किस तरह, एक यूनिट क्वांटिटी किस तरह रिप्रेजेंट करती है, वो चीज़ देखो। अभी सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक किलो
1 kg, हो सकता है 1 kg आपके लिए वो 1 किलो चावल लेके आओ। आप वही मार्केट में धनिया लेने गई, 100 ग्राम धनिया, 1 किलो आलू, 100 ग्राम मिर्च, 200 ग्राम मिर्च, मतलब ये कुछ अपने इनकी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अपना फॉलो करते आ रहे हैं। इनकी अलग अलग कहानी होती है गाइज, ये हर एक कहानी को जानना अपना यहाँ कोई पॉइंट नहीं बनने वाला, क्योंकि आप जो फिजिक्स को स्टडी करें अपने लेवल की फिजिक्स को अपना फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। देन ये बात कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट क्वांटिटी एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और कुछ इनके स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स है, जैसे 1 किलो के अंदर इतना ही वजन होगा, 1 किलो के अंदर ये 100 ग्राम होगा, तो एक प्रकार का वो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। वो हो सकता है अलग अलग क्वालिटी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, सॉरी अलग अलग चीज़ों के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड होगा ना 1 किलो वजन, 1 किलो के अंदर इतना वजन, तो उतना ही होगा मास होगा ना, वो उतना ही होगा। ये कुछ इसके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और अगर यूनिट्स को बात किया जाए तो यूनिट्स को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो टाइप्स इसके, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जो जिसके खुद के ओन खुद के स्टैंडर्ड होंगे और वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। और ये 7 यूनिट्स आपने बोल सकते हो, अगर फंडामेंटल यूनिट्स की पूछा जाए तो आपसे बोल सकते हो 7 ये है, 2 और होगी। तो मेन आप 7 की बात करते हैं, जैसे लेंथ, उसके बाद अपने को मास देखने को मिलेगा, जैसे ये लेंथ, लेंथ को किसको कहते हैं, डिस्टेंस को हो गया ये, उसके बाद कोई भी चीज़ का वजन वगैरह हो गया उसको मास बोल सकते हो, ये फिर टाइम सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को आप किसमें करंट करते हैं, आई में, ठीक है गाइज, ये टेम्परेचर को किस में करते हैं आप टी में, ये डिग्री केल्विन में यूज करेंगे, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी रेडियन हो गया, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया। तो कुछ ये 7 यूनिट है गाइज, तो बेसिक है, एक बार इनको स्टडी करोगे थोड़ा सा ध्यान से तो आपको ये सारी मिल जाएगी। एक बार आप सिर्फ बेसिक की बात करें तो ये फंडामेंटल 7 यूनिट है, और इन यूनिट्स को छोड़ के और बाकी जो यूनिट्स बच गई वो सारी क्या है, डेराइव्ड यूनिट है। जैसे एंड डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होगी जो कि फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन की गई है, जैसे एरिया, एरिया को आपने किस में डोनेट करते हैं, एरिया को मीटर में, और उस पर आपने टाइम को ऐड कर दिया मीटर पर सेकेंड, जैसे वेलोसिटी हो गया। इस तरह अलग अलग आप इन मेजरमेंट्स को आप क्या करते हैं, डिराइव्ड कर सकते हैं और एक चीज के साथ ऐड करके। जैसे मैंने बोला 1 kg, 1 kg के अंदर 100 ग्राम, तो मतलब उस ग्राम को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिराइव कर दिया ना, मतलब एक किलोग्राम को आपने ये 1000 ग्राम के पीसेज में तोड़ दिया। मतलब जो बेसिक क्या था अपना, फंडामेंटल था ना, मास हो गया kg, ये बोल सकते हो 1 kg मास था अपना, उस मास को आपने फिर और चीजों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फंडामेंटल्स का यूज करके उसको डिराइव कर दिया, तो ये कुछ होगी डिराइव्ड यूनिट। जैसे आप कुछ वी यूज प्रीफिक्स एट लोअर एक्सटेंट, वही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, गीगा, टेरा, मेगा, इस टाइप की कुछ यूनिट्स देखने को मिलेंगी। ये सारी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स के प्रीफिक्स है, क्योंकि हो सकता है अपन नॉर्मल एक्सटेंट पेन को यूज करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जो अपने को पता नहीं होगी, और इन यूनिट्स का आप यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे हो सकता है आप अपने लिए सोना लेने जा रहे हैं, कितना बोलेंगे, 100 ग्राम 1 तोला है ना, तो इस टाइप की इनको यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनको अपने को ये कोई, ये वो एक बहुत छोटे लेवल पे यूनिट्स होगी, जैसे कोई ये देखिए गाइज, कोई मेगा का हो गया, कोई माइक्रो, कोई छोटी छोटी चीज़ होगी, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, पेंटाग्राम, 1 ग्राम की ग्राम से भी थोड़ी और यूनिट नीचे की जा रही है, मतलब ये लोअर एक्सटेंड में जा रहे हैं ना, तो इनके लिए कुछ आप प्रीफिक्स का यूज करते हैं जो कि ये है। तो आज की वीडियो में इतना गाइज, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर।